Yes, hello everyone. This is Umesh Chaudhary from S2S Defense Academy, Jaipur. Military School ने अपने नए सेशन के लिए 2025-26 के लिए फाइनल एग्जाम RMS KIIT 2024-25 के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी डेट है 21st ऑफ अगस्त से अभी तक जो डेट है वो 19 सितंबर, जो कि हर बार इंक्रीज होती है। इंक्रीज हो या नहीं हो, अपने को एडमिशन फॉर्म उससे पहले ही फिलअप कर लेने हैं। इस बार जो RMS के जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होंगे वो RMS की ऑफिशियल वेबसाइट से ना होकर दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट है उससे होंगे। वो कैसे रहेंगे, वो ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है उसको अभी अपन देखेंगे। उस ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में और फॉर्म कैसे फिलअप होने हैं, उसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होता है और कैसे उसको फिलअप करें, आइए देखिए मेरे साथ। यस, तो देखिए मिलिट्री स्कूल का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को गूगल पे क्रोम पे जाना रहेगा आपको, देन आपको अप्लाई दिल्ली NIELIT की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे क्लिक करना रहेगा, इस पे जाना रहेगा। इसको ओपन होने के बाद इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है NIELIT.gov.in को क्लिक करेंगे, देन आपको मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए इस टाइप से आपके सामने ओपन होगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन टू राष्ट्रीय मिलिट्री की स्कूल अकेडमिक सेशन 2025-26। देन अगर आपको इसको देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेंगी। ये प्रोस्पेक्टस ओपन हो गया, ये 5 मिलिट्री स्कूल्स के बारे में आ गया, अपने को सबको पता है कहाँ पर है। कुछ इंस्ट्रक्शन है अकेडमिक एडमिशन की प्रोसेस 21st अगस्त से 19 सितंबर 2024 ये लास्ट डेट आ गई। 70% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर डिफेंस कैटेगरीज, 30% रेस्ट, 30% किसके लिए हैं, सिविलियन के लिए, ठीक है। 10% सीट्स और 30 वैकेंसी मैक्सिमम पूरी 5 सैनिक स्कूल्स में गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। टोटल मैक्सिमम 50 सीट्स किसके लिए, किल्ड इन एक्शन के लिए है। तो इस टाइप से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। एज आपको बताया हुआ है कि 31st मार्च 2012 तक, 1st अप्रैल 2010 to 31st मार्च 2012 तक होनी चाहिए फॉर 9th स्टैंडर्ड के लिए, और 1st अप्रैल 2013 to 31st मार्च 2015 के बीच होनी चाहिए क्लास 6 स्टैंडर्ड के लिए। आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, सब्जेक्ट देख सकते हैं। क्लास 6 स्टैंडर्ड के लिए फर्स्ट अपना इंग्लिश 50 मार्क्स रहेंगे, सभी में 50-50 मार्क्स रहेंगे। जो क्वालिफाई करने के लिए आपको जो स्कोर चाहिए होता है मिनिमम 35% और यहाँ पर 40%, इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट यानी रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीके में मिनिमम 40%, और 6th स्टैंडर्ड के लिए जो इंटरव्यू होने वाला है वो 20 मार्क्स का होने वाला है। 9th स्टैंडर्ड के लिए अगर अपन बात करते हैं, फर्स्ट पेपर होगा जो 100 मार्क्स का होगा, उसमें 50 मार्क्स की इंग्लिश होगी, 20 मार्क्स का हिंदी एंड 30 मार्क्स का SST होगा। इसमें जो क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्या स्कोर चाहिएगा, 50% पासिंग मार्क्स चाहिए होता है पेपर सेकंड, मैथ्स एंड साइंस का होता है 50-50 मार्क्स का होता है 100, और इसमें भी अपने को 50% स्कोर करना होता है क्वालिफाई करने के लिए। एंड यहाँ पर जो इंटरव्यू रहता है वो 50 मार्क्स का रहने वाला, ठीक है। ये सिलेबस इंटरव्यू, इस टाइप से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। अभी फीस चार्ट मिल गया, OR है, JSU है, उनके लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस रहती है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। पॉकेट मनी कितनी चाहिए होती है, यहाँ पर स्कूल का जो रूटीन है शेड्यूल क्या रहने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 6 to 6:30 वेकअप टाइम के बाद फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर लाइट्स ऑफ होने तक आप ये यहाँ पे शेड्यूल देख सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स वगैरह में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। आपको सिलेक्शन के बाद एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा। सब क्वालिफाई करने के बाद जो बच्चे को आप एंटर कराते हो वहां पर, तो ये जो है बच्चे के साथ आपको कैरी करना होता है, यहाँ वहां पे डिपॉजिट कराने होते हैं, वो सारे सामान की लिस्ट आ जाती है, तो ये सब चीजें यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है, देख सकते हो आप। देन नेक्स्ट अगर अपन इसमें देखें, नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हो आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट मिलता है। फ्लो चार्ट में आपको रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो इसके लिए अगर आप स्पेशली कुछ पूछना चाहें, कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इसमें एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है कि कंप्लीट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ से मिल जाती है। एज क्या रहती है, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 6th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम हो तो बच्चा फिफ्थ या फिफ्थ रनिंग हो या फिफ्थ पास हो,
ठीक है, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट ये है। जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे अपने अभी देखे हैं, रीजनिंग आ गया, जीके, मैथ्स और इंग्लिश आ गया 6 स्टैंडर्ड के लिए, और हिंदी और SST इसमें और साइंस एड हो जाती है 9th स्टैंडर्ड के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिलिट्री स्कूल ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ये यहाँ पे रिलीज की है कि इस पर आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये पॉपअप मिल जाता है, उसमें आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब अपने को फॉर्म फिलअप करना कैसे है। सबसे पहले बहुत ही ध्यान रखना है फॉर्म फिलअप करते हुए, इसमें आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है बाद में इसको करेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाना होता है। बाय द वे, कोई पहले रजिस्टर्ड कर लेता है मेल आईडी मोबाइल नंबर को, तो उसको लॉगिन पे जाना होता है। बट अपन न्यू है तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाना रहेगा, और इस टाइप से आपके सामने पॉपअप ओपन होता है, उसमें ये इंफॉर्मेशन अपने को फिल करनी रहती है, जस्ट लाइक एंटर कैंडिडेट्स नेम। चलो मैं एक फॉर्म फिल करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आइए, यस, तो कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल करने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये मोबाइल नंबर लिख दिए हैं, अब अपन मेल आईडी लिखते हैं। तो ये इस टाइप से अपने को मोबाइल नंबर के बाद मेल आईडी डालनी रहती है। मेल आईडी कंप्लीट तरीके से चेक कर लें आप, एकदम सही होनी चाहिए मेल आईडी और मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। यस, यहाँ पर आप ये पासवर्ड आप अपने हिसाब से बच्चे के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इस ये ध्यान रखना है, जब अपने को लॉगिन करना रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म तो उसमें अपने को रिक्वायरमेंट रहता है। तो पासवर्ड जनरेट कर लिए, पासवर्ड जनरेट करने के बाद डिक्लेरेशन आई हेयरबाय डिक्लेयर दैट, तो अपने को क्या करना रहेगा, एग्री करना रहेगा। एग्री करने के बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। यस, तो ये एग्री करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, वो अपने को डालना रहता है। मोबाइल पे जो टेक्स्ट मैसेज पे ओटीपी आया है वो आपको इसमें डालना रहेगा। जो मेरे पास जो ओटीपी आया है, ये ओटीपी डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद एक और ओटीपी आपके पास मेल आईडी पे आया होता है, तो मेल आईडी पे जो ओटीपी है वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो यस, आपके पास जो आपकी ईमेल आईडी पर जो ऑफिशियल आपकी मेल आईडी है उस पर ओटीपी आया होगा। ये दोनों ओटीपी डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना रहेगा। ये कंटिन्यू करने के बाद आपको ये एक इमेज दिख रही है। ओटीपी वगैरह डालने के बाद आपको एक कैप्चा, आपको एक इमेज दिख रही है, ये आपको यहाँ पे फिल करना रहता है। तो ये कैप्चा डालने के बाद आप इसको क्या करते हैं, सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल या एडिट रजिस्ट्रेशन। अभी भी आपको कोई अपनी जो डिटेल्स डाली हैं, अगर आपको एडिट करनी है तो आप इसको एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यस, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर फिल की है डाली की सारी इंफॉर्मेशन ओके है, तो आप करेंगे सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और देन आप करेंगे ओके। डालने के बाद आप देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन। योर रजिस्ट्रेशन आईडी ये है, जो कि अपने को ये चाहिए होती है, या प्रिंट भी लेके रख सकते हैं, आप लिख के भी रख सकते हैं। ये आईडी अपने को चाहिए होती है, बाद में अपने को जब एडमिट कार्ड अपन डाउनलोड करते हैं तभी चाहिए होती है। ये कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरी इंफॉर्मेशन ओके है, मुझे एंडिंग प्रोसेस तक पहुंचना है, पेमेंट प्रोसेस तक पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे, क्लिक हियर टू लॉग इन। अब देखेंगे आपको यहाँ पर वही रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी रहेगी, और उसका जो आपने पासवर्ड डाला था, जो अभी पासवर्ड जनरेट किया था, वो पासवर्ड एंड रजिस्ट्रेशन आईडी ये दोनों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख के रख सकते हैं आप, इसका प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी जो थी वो अभी डालेंगे। यस, तो जो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी थी वो डालने के बाद आपको पासवर्ड डालना रहता है, जो आपने पासवर्ड जनरेट किया था। रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको ये कैप्चा जो इमेज दी गई है ये आपको फिल करना रहता है। देन आप इसको बेसिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन।
और दो तीन ऑप्शन क्या है, फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी, अगर आपने रजिस्ट्रेशन आईडी फॉरगेट हो गई है, वैसे फॉरगेट नहीं, अभी आपके जो ईमेल आईडी आप डालते हैं उस ईमेल आईडी पे पूरा रजिस्ट्रेशन आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाती है। पासवर्ड रीसेट करने हो आपको, जो आपने जो पासवर्ड डाले थे, अगर आप चाहते हैं मैं रीसेट करूं तो आप रीसेट कर सकते हैं, और वापस नया फॉर्म फिल करना हो तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बात डालने के बाद आपको क्या करना रहेगा, लॉग इन करना रहेगा। यस, लॉग इन करने के बाद ये कंप्लीट आपका फॉर्म है जो फिल हो चुका है, आप इसके पासवर्ड सेव करना चाहे सेव कर सकते हैं, और सेव नहीं करना है तो आप इनको नेवर कर सकते हो। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें। तो इस टाइप से इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपके पास इस टाइप से पॉपअप रहेगा, फिलअप एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन एंड व्यू प्रिंट एप्लीकेशन। तो अभी अपने इन्फॉर्मेशन फिल की नहीं है तो आप क्या किस पे जाएंगे, फिलअप एप्लीकेशन पे। इस पे जाने के बाद स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, फॉर्म कंप्लीट फिल होगा स्टेप थ्री कंप्लीट करने के बाद। स्टेप वन में आप क्या देखेंगे, क्लास, कौन सी क्लास के लिए बच्चा अप्लाई कर रहा है, क्लास सिक्स स्टैंडर्ड और क्लास नाइन्थ स्टैंडर्ड, तो अपने कर दिया क्लास सिक्स स्टैंडर्ड। ये बाकी ऐसे टिक मार्क करते ही क्लास सिक्स स्टैंडर्ड के लिए बच्चे का नाम, फादर्स नेम, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई। पहले जो आधार नंबर नहीं डालने होते थे और कोई भी डॉक्यूमेंट अपने को इसमें स्कैन नहीं करना होता था, बट इस बार आपको आधार नंबर का ऑप्शन है, आधार नंबर डालना रहेगा। ये आधार नंबर डालेंगे, जेंडर, जेंडर पे मेल किया, आधार नंबर डाल दिए। आधार नंबर डालने के बाद आपके पास पेरेंट्स कैटेगरी JCOR है, JCOR डिफेंस ऑफिसर आर्मी नेवी एयरफोर्स से है, ठीक है, या सिविलियन है, जिसमें भी है आप उसको क्लिक करेंगे। ये करने के बाद अगर किल्ड इन एक्शन है, ये ध्यान रखें किल्ड एक्शन है तो ही ये करना है, पेरेंट्स किल्ड इन एक्शन है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको नो करेंगे। नेक्स्ट, पेरेंट एम्प्लॉयमेंट टाइप, सर्विंग है या अभी आप रिटायर हो चुके हैं, तो मेरे पास जो पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन है वो सर्विंग है। आई हियरबाय सर्टिफाई दैट आई बिलोंग टू JCOR कैटेगरी, आर्मी नेवी एयरफोर्स, किससे है, आर्मी से है तो आर्मी पे करेंगे, एयरफोर्स नेवी है, यही डिफेंस कैटेगरी मानी जाती है, पैरामिलिट्री को काउंट नहीं किया जाता, ध्यान रखें आप। तो यार आर्मी मैंने कर दिया है, आई हियरबाय गिव माय, इसको आपको यस करना ही रहेगा। इसमें क्या है, आई हियरबाय गिव माय कंसेंट दैट माय कैंडिडेट अपना JCOR कैटेगरी में नहीं हो रहा, मैंने इसको कर दिया है, फाउंड नहीं होता है फर्दर कभी किसी भी टाइम में, तो आप मेरा फॉर्म कैंसिल माना जाए, तो आप इसको क्या करेंगे, यस करेंगे। सेलेक्ट कैटेगरी क्या करेंगे, ओबीसी है, एससी एसटी है, जनरल ओबीसी है, तो आप इसको, मेरे पास जो है वो ओबीसी मैंने इसमें एंटर कर दिया है। आधार नंबर ये करने के बाद, ओबीसी करने के बाद आप क्या करेंगे, एंटर डेट ऑफ बर्थ, जो बच्चे की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है और जो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आप यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे कंप्लीट, जहां पे आपको एडमिट कार्ड चाहिए होता है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको चॉइस ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की सिटी क्या रखनी है, आप जहां भी पढ़ रहे हैं या अपना जो स्टेट है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो लेना चाहते हैं, या जहां भी आप स्टडी कर रहे हैं वो लेना चाहें। तो मेरे पास जो बच्चा है उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये नियर बाई के तीन सेंटर चूज किए हैं, आगरा, ठीक है। ये तीन सेंटर चूज करने के बाद एप्लीकेशन फी डिटेल, एप्लीकेशन फी डिटेल जो इसमें 80 रुपीज का इंक्रीमेंट है, पहले 600 हुआ करता था। ये करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आई एग्रीड करेंगे, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन डालने के बाद आई एग्रीड करने के बाद सेव स्टेप वन एंड प्रोसीड आपको करना रहेगा। और जैसे आप ये करेंगे, करने के बाद आपके पास स्टेप टू ओपन हो गया। स्टेप टू ओपन होने के बाद क्लास सिक्स स्टैंडर्ड, अपना एप्लीकेशन नंबर ये है, बच्चे का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, अपलोड योर फोटोग्राफ, यहाँ पे बच्चे का फोटोग्राफ अपलोड करना रहेगा एंड उसका बच्चे का एक सिग्नेचर, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं, बच्चे का सिग्नेचर लेफ्ट हैंड थम का होना चाहिए और बच्चे का एक पासपोर्ट साइज का फोटो, ये दो चीजें डालने के बाद अपलोड सिग्नेचर, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे बच्चे के, एंड एक आपको कास्ट सर्टिफिकेट, बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। ये अपलोड करने के बाद आपको स्कूल की चॉइसेस करनी रहेगी, फर्स्ट नंबर पे कौन सी स्कूल लेना चाहते हैं, सेकंड पे कौन सी, थर्ड पे। मेरे पास जो बच्चा है उसके लिए मैं अजमेर फिल कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कोई चहल शिमला उस साइड से है आप वो ले सकते हैं, बेस्ट लेनी है, टॉप लेनी है, कौन सी लेनी है
आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। पहला मैंने अजमेर लिया, सेकंड चेलसिमला लिया, थर्ड पे मैंने बेलगाम, फोर्थ बेंगलुरु और फिफ्थ लास्ट में लिया है धौलपुर। ठीक है, ये करने के बाद अगर आप इनको चेंज करना है, बाई मिस्टेक आपसे हो गई है तो रीसेट भी कर सकते हैं आप चॉइसेस को। आपको जो बच्चे का मेडिकल रहेगा वो कहाँ कराना है, फर्स्ट चॉइस ऑफ हॉस्पिटल, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो नियर बाई है हॉस्पिटल है, कमांड हॉस्पिटल, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइव चॉइसेस आपके पास रहेगी। यस, तो ये हॉस्पिटल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन डालने के बाद इसको आप सेव स्टेप टू एंड प्रोसीड करेंगे और आपको ओके करना रहेगा। देन आपके पास लास्ट एंड फाइनल स्टेप थ्री रहेगा, और स्टेप थ्री रहेगा आपका पेमेंट का, और आप पेमेंट करके बच्चे का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यस, आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। फिर भी किसी पेरेंट्स, किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। और हाँ, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरएमसी, नौदे से रिलेटेड किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन और किसी भी टाइप की क्वेरीज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू, जय हिंद।